हर हर महादेव, जय वैद्यनाथ। देख सकते हैं कांवरियो पथ का काफी ज्यादा भीड़ बढ़ते हुए देवघर में। बनाओ सर, आप खड़े रह के बनाते हैं। बोल बम चाची, बोल बम महादेव। दोस्तों बोलबम, तो देख सकते हैं कांवरिया पथ में हमारा देवघर में सावनी मेला स्टार्ट हो गया है, तो बोलबम आना स्टार्ट हो गया। चलिए उनसे जानते हैं कि वो कहां से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। आप लोग कहां से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं, से बिहार आ रहे हैं। तो रास्ता में कैसा तैयारी किया गया है? मतलब दुकानें सब आगे में बन चुका है? देवघर आ गए, बोल रहे कल चढ़ाइए। देवघर आ गए तो कल चढ़ाएंगे? नहीं नहीं, आज बहुत को होता है, सुबह चढ़ाएंगे, कल चढ़ाइए। बोलिए बोलबम। तो ये गाइस देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सुविधा किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। मतलब हर एक जगह पे बालू बिछाया गया है ताकि बोलबम यात्री को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो फिलहाल अभी पानी उनी पड़ा था कल परसों, तो पूरा कीचड़ हो चुका है। तो वीडियो के माध्यम से बने रहे, आगे का लोकेशन दिखाते हैं आप लोग को। जैसे कि कांवरिया पथ में बम सब चलना स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया है। सावन का पहला दिन में भक्तों का पूरा उमड़ रहा है भीड़, मतलब इतना भीड़ हो रहा है मंदिर में, काफ़ी भीड़ आज है। तो देख सकते हैं कैसे कांवरिया पथ में चल कर आ रहे हैं कांवरिया लोग। देख सकते हैं कैसे मतलब बल्लू बिछा दिया गया, पूरा दुकानें वगैरह लग गया है। तो देख सकते कैसे कांवरिया लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए बहुत दूर से। बोलबम बोलबम हर हर महादेव, जय वैद्यनाथ। तो देख सकते हैं हम आ गए हैं कांवरिया पथ पे, तो सावन का पहला दिन है। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा मतलब कांवरियो लोग का चलना स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हैं काफी ज्यादा सुविधा है, बल्लू उल्लू बिछा दिया गया है, पंडाल उंडाल तिरपाल उपाल बन चुका है, दुकान उकान भी ज़्यादा से ज़्यादा लग चुका है। तो चलिए वीडियो के माध्यम में बने रहें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल से जुड़ने के लिए बेल आइकन को दबा दें। और चलिए आगे का लोकेशन आप लोग को दिखाते हैं, कांवरियों लोग से थोड़ा बात उत कराते हैं कि आगे का सुविधा कैसा है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं कांवरियों सबका आना स्टार्ट हो गया है, तो बात करेंगे कुछ कांवरियों लोग से। तो चलिए मतलब बात करते थोड़ा बहुत। बोल बम बम जी, बोल बम बोल बम। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कोलकाता से। कोलकाता से कितना दिन से पैदल चल रहे हैं? पैदल चल रहे हैं, 30 तारीख को जल उठाए थे। और मतलब आगे का सुविधा क्या है? सुविधा यहाँ से देवघर में जल डालना है, उसके बाद बासुकीनाथ जाना है। सुविधा बिहार में कुछ नहीं है, झारखंड में रोशनी ही रोशनी है। और हम लोग रात को चले बॉर्डर के पास में, पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। मतलब बिहार में क्या मतलब ऐसा सुविधा, बालू उलू नहीं बिछाया गया? बालू बिछाया गया, लाइट की व्यवस्था नहीं है, दुकान वगैरह से। दुकान भी बहुत दूर दूर पे है, दूर दूर पे, बहुत दूर दूर पे। रात को आने में बहुत कष्ट हुआ। सरकार से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? सरकार से यही कहेंगे कि बिहार सरकार पब्लिक को देखे, और क्या, पब्लिक जो चाहे। झारखण्ड में सब चीज का सुविधा है, सुविधा है, पूरा दिन में भी लाइट जलता है झारखण्ड में, देखने को मिला मेरे को। तो एक बार बोलबम कर दीजिए, बाबा नगरी में आप लोग आ गए हैं।